हाँ जी नमस्कार। जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि जो बरसात का मौसम है इसमें विभिन्न बीमारियाँ होती हैं, जैसे पीलिया है, पेट खराब है और इस तरह की कई तरह की बुखार चलते हैं। उसमें ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि कई बार ख़तरनाक भी हो सकती है, उसका नाम है स्क्रब टाइफस। और पूरे हिमाचल प्रदेश में हर साल बरसात के मौसम में और ख़ासकर महिलाओं में ये देखा गया है कि स्क्रब टाइफस के काफ़ी फीवर होते हैं और इसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो मृत्यु भी हो जाती है, और ऐसा हिमाचल में हुआ है कई बार। ये बीमारी पूरी साउथ एशिया में रहती है और सेकंड बार वर्ल्ड वार में पहली बार इसमें बहुत ही ज़्यादा केसेस हुए थे, और इसी तरह हमीरपुर ज़िला में भी हर साल केसेस होते हैं। इस साल तो हमारे पास अभी तक जो रिपोर्ट है तो इस महीने अभी तक कुल सिर्फ 3 ही केस आए हैं फील्ड से। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट अभी हमने मंगवाई है और ब्लॉक्स को हमने कहा कि इस पर हमें नज़र रखें और वीकली हमें जो है वो इसकी रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन या पोर्टल पर चढ़ के उसको हमें दें। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बीमारी को कैसे पहचानें, किस तरह होती है और किस तरह इसका बचाव करें, अगर हो जाती है तो किस तरह इसका निदान करें। ये बीमारी जो है जिस कीटाणु के से होती है उसका नाम है ओरेंशिया सुसुगोमुशी। ये बहुत ही छोटा कीटाणु होता है और ये कीटाणु होता है कि जो माइट जिसको बोलते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे जो जंगलों में होते हैं, हमारी झाड़ियों में होते हैं रोडेंट, उनके ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको हम इंग्लिश में माइट कहते हैं। और उस माइट का एक अलग अलग जो छोटा छोटा रूप होता है उसको हम बोलते हैं लार्वा, और ये लार्वा मिट्टी में होता है। तो मिट्टी में ये लार्वा होता है और इस लार्वे में ये कीटाणु, जैसे मैंने नाम लिया ओरेंशिया सुसुगोमुशी होता है, और ये जब हम कभी नंगे पाँव या झाड़ियों में काम करते हैं तो उस तरह से हमारे पाँव या हाथों में ये अटैक करता है ये लार्वा, और इस लार्वे के माध्यम से ये स्क्रब टाइफस का जो है कीटाणु जो है वो उस शरीर में चला जाता है। जब हमारे शरीर को काटता है तो उसके हफ्ते 10 दिन के बाद एक गहरा काला निशान बन जाता है जिससे कि इसकी पहचान लग जाती है कि इसमें कोई उस टिश्यू ने काटा हुआ है। और 10 से 12 दिनों के बीच ही पहले हल्का बुखार शुरू होता है, फिर तेज़ बुखार शुरू होता है, सर दर्द होती है, बॉडी में दर्द हो जाती है, और उसको अगर हम ट्रीटमेंट ना कराएं तो अगली स्टेज आ जाती है जिसमें कि उसमें पेट की खराबी आती है, हमारे फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, सांस तकलीफ होने लगती है, हार्ट में कीटाणु चला जाता है, कार्डाइटिस हो जाता है, ब्रेन में कीटाणु चला जाता है, किडनी में चला जाता है। फिर ये समा अगर हम ट्रीटमेंट ना करें इसकी तो लगभग 40% जो लोग हैं उनमें डेथ हो जाती है, और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इन सिम्टम को अगर हम पहचानें इस मौसम में, अगर ऐसा हो रहा है, तेज़ बुखार है, दर्द है, ठंड लग रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, पेट में खराबी आ रही है, निशान है काटने का खासकर पेट के अंदरूनी हिस्सों में या बाजू के नीचे, तो उस निशान से और खून के टेस्ट करने से हम इसका पता लगा सकते हैं। इस का जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट हम ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, बिलफ्लेक्स टेस्ट, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। हमारी लैब जो है फ्री ये टेस्ट होता है, इसका एलिजा टेस्ट हो रहा है, और जिसके माध्यम से इसका पूरा पता लगाया जा सकता है कि ये यही स्क्रब टाइफस है। ट्रीटमेंट भी इसकी बहुत ही आसान है, इसमें बड़े जो लोग उनमें डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक, जो छोटे प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चे हैं उनमें, और एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, इस तरह के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। अगर कोई सीरियस होता है तो इन्हीं दवाइयों की जो इंजेक्शन भी एडमिट करा के लिए जाते हैं, और साथ में अगर कोई लेट आता है 2nd या 3rd स्टेज में तो उसको ICU में एडमिट करना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है, और अलग अलग तरह के विभिन्न डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट के माध्यम से इसको इलाज संभव है। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि रोकथाम कैसे की जाए। रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही है कि जो झाड़ियाँ होती हैं आजकल बरसातों में हमारे घरों में, खेतों के पास जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर एक तो नंगे पाँव न जाएँ, अपनी बाजुओं हाथों को कवर करके रखें, क्योंकि अटैक या पाँव से करता है या हाथों से करता है, हमारी स्किन पर लार्वा जुड़ जाता है, तो उस तरह वैसे ना जाएं खेतों में, और अगर जाते तो इमिडिएटली उसको वॉश करके धो लें घर में अच्छी तरह। और बाहर भी जा रहे हैं आजकल तो स्किन में कई तरह के
ये माइट रेपेलेंट मिलते हैं, इनको भी लगा सकते हैं हम अपने जो एक्सपोज पार्ट है उनके खात्मे के लिए भी हम विभिन्न दवाइयाँ डालते हैं ताकि ये पिस्सून पे ना पनपे और पिस्सू का जो लार्वा है उसमें सॉइल में ना जाए। झाड़ियों की सफाई रखें, इन्वायरमेंट की सफाई रखें और अपने आप को ढक के रखें, उसमें स्किन पे अपनी चमड़ी पे रेपेलेंट रखें। और अगर किसी को बुखार, दर्द, सर दर्द और इस तरह के सिम्टम आते हैं, काटने का निशान है, तो वो जल्दी से जल्दी निकटतम अस्पताल में जाए और अपना निदान कराए ताकि एक हमारी जो रिस्क ना रहे लाइफ को और किसी को इस तरह से डेंजर में हम किसी की लाइफ ना डालें।